नमस्ते, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, साथ ही में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं आपको चैनल के माध्यम से शॉर्ट टाइम पीरियड पर इसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। मेक श्योर अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन ज्वाइन नहीं करा है, उत्तराखंड ओपन लर्न जरूर ज्वाइन करें, एंड साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, उत्तराखंड ओपन हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, डिस्कशन करते हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कहां पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। पहला जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपका पशुपालन निदेशालय उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत 8 दिसंबर 2022 की डेट में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। अगर मैं बात करूं इसकी आधिकारिक वेबसाइट की, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.ahd.uk.gov.in है। आप विस्तृत विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर आपका पहले कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया गया है, साथ ही इसके साथ आपके एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसके संबंध में आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे। बताया गया है इसमें कि 11 नवंबर 2022 के द्वारा प्राप्ति स्वीकृत के क्रम में मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर संशोधन नीति 2020 के अंतर्गत दो युवा पेशेवर जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थान से अपरीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही योजना और परियोजना के अनुश्रवण मूल्यांकन कार्य और आपका सर्वेक्षण हो गया, सामान्य कार्यालय कार्य के निष्पादन में न्यूनतम 1 वर्षों का अगर आपके पास अनुभव है तो आप इस निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखंड प्रशासनिक भवन मोत्रोवाला देहरादून के पते पर दिनांक 28 दिसंबर 2022 से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। शाम 5 बजे स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आप अपने आवेदन भेज सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। इसके लिए बताया गया है कि युवा पेशेवर का कार्य किए जाने की अवधि 11 माह की निर्धारित है। इसमें बताया गया युवा पेशेवर कार्यक्रम के अधीन आवेदकों के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपकी आयु सीमा 22 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही में इसमें बताया गया अगर आपने किसी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक उपाधि धारक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ, साथ ही में आपकी स्नातक व प्रस्नातक में प्राप्त अंकों तथा कार्य अनुभव के आधार पर ही इसका सिलेक्शन किया जाएगा और विशेष कार्य अनुभव को इसमें वरीयता दी जाएगी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही में बता दें आपको चयनित अभ्यर्थी युवा पेशेवर की जो सैलरी रहेगी 35,000 रुपये आपको देखने को मिलेगी और ये आपका टाइम पीरियड 11 मंथ्स के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट आप मान सकते हैं। इसमें एनेक्सर दिया गया है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि युवा पेशेवर को निर्दिष्ट कार्यों के अंतर्गत किए जाने वाले क्षेत्र फील्ड वर्क हेतु TA DA क्रमशः 100 या 200 रुपये प्रतिदिन दे होगा और आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप एनेक्सर बी पर निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखंड प्रशासनिक भवन मोत्रोवाला देहरादून के पते पर पंजीकृत स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इसमें आपके पास अनेक्षर व फॉर्मेट दिया गया आवेदन पत्र के प्रारूप के संबंध में मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर संशोधन नीति 2020 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप दिया गया है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही में हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से भी चेकआउट कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन जल विज्ञान भवन रुड़की के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत रिलीज किया गया एडवर्टीजमेंट नोटिस आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही एडवर्टीजमेंट नंबर एंड प्रोजेक्ट एडवर्टीजमेंट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। डेट 9 दिसंबर 2022 को यह एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दिया गया था। सब्जेक्ट है एडवर्टीजमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एसोसिएट प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड रिसोर्स पर्सन जूनियर सीनियर थ्रो वॉक इन इंटरव्यू इन द फॉलोइंग इंटरनल स्टडी प्रोजेक्ट एंड डिवीजन, जहां पर आपके पास रिसर्च एसोसिएट के लिए एक पद जारी किया गया है। प्रोजेक्ट टाइटल दिया गया है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो PhD डिग्री इन द एनवायरमेंट साइंस एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत मांगा गया है, जिसमें इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 47,000 पर मंथ प्लस HRA एज एप्लीकेबल इसमें मेंशन किया गया है। डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू बताया गया 5 जनवरी 2023 को 10:30 बजे NIH रुड़की में इसका इंटरव्यू हेल्ड करवाया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट भी आपका रिसोर्स पर्सन सीनियर के लिए है। फर्स्ट पोस्ट आपकी रिसोर्स पर्सन के लिए थी, जिसमें कि एक पद जारी किया गया, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है जियोलॉजी में, साथ ही में 6 साल का एक्सपीरियंस है, 40,000 रुपये से लेके आपको 70,000 प्लस इसमें 3,000 पर मंथ लोकल कन्वेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। डेट एंड वॉक इन इंटरव्यू इसमें बताया गया है, टाइम एंड प्लेस बताया गया है 5/1/2023 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका रिसोर्स पर्सन जूनियर के लिए है, एक पद है 17 मंथ के लिए, आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रखा गया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस सिविल इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है आप आवेदन कर सकते हैं। 20 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जाएगा प्लस 1500 पर मंथ एज अ लोकल कन्वेंस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए भी इसमें पद जारी किए गए हैं, आप इसमें प्रोजेक्ट नेम चेकआउट कर सकते हैं, मार्च 2024 तक ये एप्लीकेबल रहेगा, एक पद है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है, प्रोफेशनल कोर्स MEMTECH है, देन आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 31,000 रुपये पर मंथ प्लस HR इंक्लूड होगा। साथ ही में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिसोर्स पर्सन जूनियर के लिए दो पद जारी किए गए हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बेसिक साइंस MSc एंड जियोलॉजी फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से कंप्लीट कराए देन आप आवेदन कर सकते हैं। 20,000 to 40,000 पर मंथ आपको इसमें इमोल्यूमेंट्स देखने को मिलेगा प्लस एज अ लोकल कन्वेंस आपको 1500 प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें जनरल कंडीशन दी गई हैं इसके अंतर्गत जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है उत्तराखंड ओपन, तो जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF की जानकारी देखने को मिल जाएगी। नोट दिया गया है कैंडिडेट बिफोर अपियरिंग द वॉक इंटरव्यू शैल इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल इन द रिक्वायर्ड फील्ड फॉर द पोजिशन दे इंटेंड टू अप्लाई। आउट स्टेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक दियर ओन बोर्डिंग एंड लॉजिंग अरेंजमेंट एट रुड़की। इसके अगर आवेदन के प्रारूप के बारे में हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत, इस तरीके से आपको कुछ आवेदन का प्रारूप देखने को मिलेगा जो कि आप इसके आधिकारिक वेबसाइट से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती लगता है कि हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। साथ ही में इन सभी भर्ती विज्ञापन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर देखने को मिलती है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर आपके जो भी क्वेश्चन है आप इंस्टाग्राम उत्तराखंड ओपन है हमारी ID, आप वहां पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार मैं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ।